तो दोस्तों हम थ्योरम पढ़ते क्यों हैं, थ्योरम पढ़ना ज़रूरत क्यों है हम लोग का। क्लास टेंथ में जो छठा चैप्टर है हमारा त्रिभुज, इसमें हम थ्योरम पढ़ते हैं। इसमें हमारा लगभग 10 से 11 थ्योरम है। पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम जो इस थ्योरम को इसीलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि इस पर आधारित हमसे क्वेश्चन बन सके, हम इस पर आधारित क्वेश्चन को बना सके। तो आज हम वही करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.2 प्रश्नावली 6.2 थ्योरम पर ही आधारित है। ज़्यादा थ्योरम पर नहीं, बस ये थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम आपने पढ़ा है, बस उसी पर आधारित है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बस वही, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का, जो कि आधारित है थेल्स प्रमेय पर और थेल्स प्रमेय के विलोम पर। तो आपने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो हमारा जो है प्रश्नावली 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 6.17 में और उसका जो फर्स्ट और सेकंड फिगर है उसमें हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है दोनों फिगर में हमारा DE समांतर है BC के। दोनों फिगर में देखिए आपका ये DE ये रहा और इसमें DE ये रहा, ये समांतर है किसके, BC के समांतर है, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है पहला में EC ज्ञात करना है, पहला फिगर हमको EC यहाँ से बीच की दूरी इसको ज्ञात करना है और दूसरा में हमको AD ज्ञात करना है, AD ज्ञात करना है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय तो आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ये त्रिभुज में AD बट्टा DB और इस भुजा में AE बट्टा EC का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ इसका सोल्यूशन, फर्स्ट का सोल्यूशन, फर्स्ट के फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए। हमारा दिया हुआ है क्या, DE और BC क्या है, समांतर है। गिवन में हमारा क्या है, गिवन है हमारा DE समांतर BC है। तो थेल्स प्रमेय से हम इसके इस भुजाओं का अनुपात समान कर देते हैं, मतलब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ठीक है। तो AD हमारा कितना है, AD है 1.5 सेंटीमीटर और DB हमारा है 3 सेंटीमीटर और AE हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर और EC हमको नहीं है पता, EC हमको निकालना है, ठीक है। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 EC बराबर 3 इकाई 3। तो यहाँ से हम EC का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, ये क्या हो जाएगा 3 बट्टा 1.5 का मतलब होता है डेढ़, और इसको भाग देंगे तीन में भाग देंगे डेढ़ से, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा EC बराबर कितना आया, EC बराबर 2 आया। तो आप आसानी से इतना सोच सकते हैं कि ये डेढ़ है इसका 2 गुना 3 है, तो यहाँ 1 है तो इसका भी 2 गुना यहाँ 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट का सोल्यूशन हुआ, ये सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। सेकंड में भी हमारा वही बात है, गिवन हमारा दिया हुआ है क्या, DE समांतर है BC के, गिवन हमारा है DE समांतर है BC के, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख लीजिए, AD नहीं पता है, AD को AD रहने दीजिए, DB की जगह पर 7.2 सेंटीमीटर लिखिए या ना लिखिए सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 2 सेंटीमीटर में आना ही है, और नीचे में क्या हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। इस दोनों का पॉइंट तो आप ऐसे भी उठा सकते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक, इस पॉइंट के बाद एक अंक, ठीक है। इसमें जो है पॉइंट के बाद एक अंक नहीं है तो ऊपर में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, या नहीं भी कीजिए आप यहां से सीधे निकाल सकते हैं, AD बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना करके इससे भाग दे देना है, मतलब 7.2 × 1.8 / 5.4। दशमलव को हटाना है, ऊपर में क्या है दशमलव के बाद एक अंक, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक, इस दोनों का पॉइंट उड़ा दीजिए। अब काटिए, 18 + 3 = 54 कट रहा है, ठीक है, और 3 से काटिए, 3 × 2 = 6, ये अंक का काम खत्म हो गया, इसमें बच गया 1, तो पॉइंट देके 3 × 4 = 12। तो AD हमारा क्या आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आइए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी बहुत ही प्यारे तरीके से, आप इसको नोट कीजिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि EF समांतर है QR का। क्या है, पहले त्रिभुज PQR है हमारा, तो पहले मेन त्रिभुज को आप त्रिभुज PQR मान लीजिए, उसके बाद क्या कहता है कि PQ और PR पर क्रमशः बिंदु EF स्थित, E तथा F स्थित है। PQ पर क्या स्थित है, E स्थित है, और PR पर F स्थित है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दे दिया है माप इसका, दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है।
2.4 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं का मान हमको दे दिया है, PE मतलब यहाँ का दूरी और EQ मतलब यहाँ के बीच की दूरी, सभी का दे दिया है हमको। अब बताना है कि हमारा जो है EF भुजा जो है QR के समांतर है या नहीं है। तो दोस्तों हम करेंगे इसकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, अनुपात अगर समान हो जाएगा तो ये रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी, मतलब EF समांतर हो जाएगा QR के। तो चलिए निकालते हैं इसका, PE बट्टा EQ बराबर क्या निकालेंगे, PF बट्टा FR। अब सभी का वैल्यू रख के देख लीजिए आप, PE का वैल्यू क्या है 3.9 है और EQ का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PF का वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर और FR का वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 3.9 ऊपर में है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक दे देंगे, मतलब इसको 3.0 लिख सकते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए इसको लिखेंगे 39/30, इसका इधर हो जाएगा 36/24, इधर काटिए 4 से कट रहा है 4×9=36, 4×6=24, फिर 3 से कट रहा है 3×3=9, 3×2=6, मतलब इधर 3/2 आ गया, इधर काटिए 13×3=39, 3×3=30, मतलब इधर आ रहा है 13/10 और इधर आ रहा है 3/2। क्या दोनों तरफ का अनुपात समान है? अगर समान नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, EF समांतर नहीं होगा, काट देंगे समांतर देके किसके, QR के। यही हो गया हमारा आंसर, और लास्ट में लिख दीजिए नहीं, ऐसा मतलब EF समांतर QR नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा दे दिया है चारों भुजाओं का माप, ठीक है। यहाँ PE मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी और QE मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है। उसके बाद PF दे दिया है और FR दे दिया है, सभी दे दिया है, भुजाओं का अनुपात देखेंगे और उसके बाद अगर बराबर आ जाए तो ये समांतर होगी रेखा, नहीं तो नहीं होगी। तो उसी तरह से इसका सोल्यूशन कीजिए, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, PE बट्टा QE बराबर PF बट्टा RF। तो PE हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, QE हमारा है 4.5, PF हमारा है 8 और RF है 9। अब इसको पॉइंट को उड़ाइए, नीचे से अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक दे देंगे 4.0, और फिर दशमलव को हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40/45 बराबर 8/9। अब काटिए 8 से कटे 9 से कट नहीं 9 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5×8=40, 5×9=45, दोनों का अनुपात क्या आ गया बराबर, इधर भी 8/9 इधर भी 8/9। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा EF जो है वो समांतर हो जाएगा QR के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं QR के समांतर है या नहीं, तो लिखिए कि हाँ EF समांतर है QR के, आप भाषा में भी लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा सेकंड का सॉल्यूशन। तो आइए अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन का सलूशन। दोस्तों आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का सलूशन, इसमें हमारा किस किस चीज़ का लंबाई दे दिया है। हमको दे दिया है इस PQ भुजा की लंबाई और इसके बाद PE भुजा की लंबाई और PF भुजा की लंबाई और PR भुजा की लंबाई। तो इससे हम अनुपात इसका निकाल सकते हैं, यहां से हम निकालेंगे PE मतलब इस छोटे भुजा की लंबाई और इस बड़े भुजा की लंबाई, ठीक है। PE बट्टा PR इस दोनों का अनुपात और इस छोटे भुजा और इस बड़े भुजा इस दोनों का अनुपात PF बट्टा PR, यहाँ सॉरी PQ होना चाहिए क्योंकि ये छोटी भुजा PE है बड़ी भुजा PQ है, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी का वैल्यू पुट कीजिए, PE का वैल्यू हमारा है 0.18 सेंटीमीटर और PQ भुजा का 1.28 सेंटीमीटर बराबर PF भुजा का लंबाई हमारा 0.36 और PR का लंबाई 2.56। इसमें भी दशमलव के बाद दो अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद दो अंक है सभी का, तो आप दशमलव हटा सकते हैं सीधे 18/128 बराबर 36/256। इसके बाद इसको हम करेंगे 2 से कैंसिल, 2 से 2×9=18 और 2 से कटेगा ये 64, ये भी कटेगा 4 से 4×9=36 और 4 से 4×6=24 और 4×6=16, मतलब हमारा अनुपात आ गया समान 9/64 बराबर 9/64। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अनुपात जब समान है तो हमारा इसीलिए क्या हो जाएगा, EF समांतर होगा किसके, QR के। यही हो गया हमारा आंसर। तो फर्स्ट में हमारा समांतर नहीं आया था, सेकंड में और थर्ड में हमारा आ गया है समांतर। तो दोस्तों आइए इसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है, बहुत ही प्यार से समझना है क्वेश्चन को।
दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो है LN समांतर है किसके, BC के, और ये LN समांतर है CD के। तो हमको क्या जांच करना है, हमको चेक करना है और सिद्ध करना है इसमें कि हमारा AM बट्टा AB मतलब AM बट्टा AB और AN बट्टा AD इसका जो रेशियो आपस में बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन, कुछ इस टाइप से करेंगे। तो सोल्यूशन हमारा फिगर में मतलब चित्र में क्या दिया गया है, चित्र में या आकृति में लिख लीजिए आप, हमारा दिया हुआ है LM समांतर है किसके, BC के, और तथा क्या दिया हुआ है, ये LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के। ठीक है, तो इसमें दो तरह का त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ABC और एक त्रिभुज बन रहा है ACD। तो इस दोनों त्रिभुज में हम अलग अलग जांच करेंगे। तो पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है हमारा, त्रिभुज ABC में ये LM जो भुजा है वो BC के समांतर है, इसमें हमारा LM समांतर किसके है, BC के। थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं जब ये दोनों भुजा आपस में समांतर है तो इसके दोनों अन्य भुजाओं का जो होगा रेशियो आपस में बराबर होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं AL बट्टा AC बराबर क्या होगा, AM बट्टा AB होगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर चलते हैं अगेन पुनः नीचे वाले त्रिभुज में, उनमें ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, LN समांतर दिया हुआ है CD के, LN समांतर है CD के। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, AL बट्टा AC बराबर क्या हो जाएगा, AN बट्टा AD, AN बट्टा AD। इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इस दोनों इक्वेशन में आप देखिए कि हमारा जो LHS है ये LHS और ये LHS दोनों बराबर है आपस में, तो हमारा RHS क्या होगा आपस में बराबर होगा, मतलब हम लिख सकते हैं AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD। तो शायद यही हमको प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। आइए देख लेते हैं एक बार और बुक में कि शायद यही प्रूव करना था, AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD यही प्रूव करना था। तो दोस्तों आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, ये सब समझने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट में बताइए। अगर हमारे वीडियो आज के अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। हमारे सोशल लिंक्स जैसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम इत्यादि के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर वहाँ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।